एलविश यादव और कीर्ति मेहरा की लव स्टोरी 5 साल से भी पहले की है। उस टाइम पर यूट्यूब वीडियोस में कोई लड़की ज्यादातर नहीं लाता था, बट एलविश यादव और कीर्ति मेहरा डेली कॉमेडी वीडियोस वगैरह अपलोड करते थे और अब तक भी करते हुए आए हैं। बट सडनली 2-3 महीनों से हर कोई देख रहा है, आप भी देख रहे होंगे कि एलविश यादव और कीर्ति मेहरा का ब्रेकअप हो चुका है। अब ये कोई पब्लिक स्टंट नहीं है, इन दोनों पे ये अपनी दोनों टिप्पणी वगैरह दे चुके हैं। मैं आपको सुनाता हूँ कि ब्रेकअप हुआ क्यों है, क्योंकि एलविश यादव ने खुद अपने मुंह से ये बात बोली है कि मुझको धोखा मिला है। अगर आपको यकीन तो आप ये क्लिप देखिए। बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारी लेजर वैली पार्क से। उधर तो घुमा दो कैमरा। किधर घुमा दो कैमरा? इधर की साइड। ये लोग आए, क्या हाल है? पीछे आइसक्रीम खाने आए थे पर आइसक्रीम वाले भैया तो मिले नहीं, कुल्फी चूस के उल्टे जा रहे। कौन सी खा रहा तू आज भाई? खा लियो तू। मैं कह रहा हूं आइसक्रीम वाले भैया तो मिल रहे, धोखा मिल गया। धोखा मिल गया जिनको मैं बहुत अपना समझता था। तो गाइस अगर आपको समझ में नहीं आया कि एलविश यादव ने कैमरा क्यों नहीं घुमाया, तो मैं आपको बताता हूँ। एलविश यादव ने कैमरा इसलिए नहीं घुमाया क्योंकि साइड में कीर्ति मेहरा खड़ी थी और वो कीर्ति मेहरा को ही पोक करके कह रहे थे कि मुझको धोखा मिल गया है और मैं कैमरा वगैरह नहीं घुमा रहा हूं और यहां पर मेरा ब्रेकअप हो चुका है। एलविश यादव ने यह बात बोली थी। अब आप लोग बोलोगे भाई तुझे कैसे पता कीर्ति मेहरा खड़ी थी? क्योंकि उसी दिन जिस दिन एलविश यादव ने व्लॉग डाला था उसी दिन कीर्ति मेहरा ने भी स्टोरी डाली थी उसी जगह की, अर्चित और लक्ष्य के साथ, जो ये एलविश यादव के दोनों साथ थे। तो यहां पर उनके बीच में कुछ भी बात हुई, ब्रेकअप हुआ होगा वो तो हम नहीं जानते, बट हाँ उस दिन ये दोनों ये सब साथ थे और एलविश यादव ने ये बात अपने मुंह से बोली कि मुझको धोखा मिला है और ब्रेकअप हो गया है। और उसी दिन जब यहाँ पर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि एलविश यादव ने अपने इंस्टाग्राम से कीर्ति मेहरा को अनफॉलो कर दिया है और कीर्ति मेहरा ने भी एलविश यादव को अनफॉलो कर दिया है। यकीन हो तो जाके चेक कर लेना। और एक बात और, एलविश यादव ने हाल फिलहाल में एक बयान और मतलब एक चीज़ और बताई है, बट वो मैं यहाँ पर कन्फर्म नहीं हूँ कि कीर्ति मेहरा के बारे में ही बताई है, क्योंकि उसमें किसी लड़की के बारे में काफ़ी अपशब्द बोले हुए हैं। तो अगर आप सुन लीजिए, अगर आपको पता चल जाता है तो भाई आप गैस कर लेना किसके बारे में बोला है, बट हाँ यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ किसके बारे में बोला है, फिर भी भाई मुझे लगा तो मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए कई आ रही हैं, गर्ल्स आ रही हैं, कई अपना वुमेन कार्ड लेके ले ले इस तेरे मुंह पे वुमेन कार्ड मारा फेंक के। एक वुमेन क्या इतना भी नहीं कर सकती, एक लड़की को इतना भी हक नहीं है? आ यार कौन सी दुनिया में जीरो एक साइड। तुम कहते 2022 चल रहा, 2022 में अपने वुमेन कार्ड का गलत इस्तेमाल करने का मतलब 2022 होता है क्या? नहीं, उसको सही जगह लगा के अपने कुछ प्रोडक्टिव करना है ना। एक बात बोलूंगा, मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं कहा कपड़े उतार के तो तुम्हारा घर चल रहा है, उंगली तुम मेरे पे उठा, गलत बात है ना, है ना। पहले कोई बात नहीं यार, मुझे पता है कईयों के घर में मजबूरी होती है, नहीं बन पाती, नहीं जॉब कर पाते, नहीं बिजनेस कर पाते, कोई नहीं, वो अपने थोड़े उस वाले बेसिस उस वाले गलत चीज में चले जाते हैं भाई, अपने थोड़ा फॉलोअर्स नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, चलो एक कपड़ा कम कर दिया, दो कपड़े कम कर दिया। होती हैं लड़कियां ऐसी, देखो मैं सीधा बोल रहा हूँ, होते हैं लड़के भी होते हैं कई ऐसे, मतलब जो बिल्कुल नीच काम कर करके पैसा कमा रहे हैं। ये तो नहीं पता मुझे किस लड़की के बारे में बोला है, बट हाँ अगर आपको पता है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना। बाय।